ताजनगरी आगरा में नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी में ड्यूटी करने गया बेसिक शिक्षा विभाग का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगभग 40 दिन से लापता है। काफी जद्दोजहद के बाद परिजनों ने थाना टांस यमुना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। लापता कर्मचारी की तलाश में परिजन लगातार उच्चाधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय पहुंच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को खोजने में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। दरअसल 4 मई को ताजनगरी आगरा में नगर निकाय चुनाव का मतदान था। शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोविंद सक्सेना की ड्यूटी चुनाव में लगाई गयी थी। 3 मई की रात को गोविंद सक्सेना ने मंडी समिति मतगणना स्थल से ईवीएम मशीन ली और बूथ संख्या 119 यानी सिरकी मंडी के प्राथमिक विद्यालय में चुनाव ड्यूटी की, जिसके बाद कर्मचारी ने ईवीएम मशीन को मंडी समिति स्थित मतगणना स्थल पर जमा भी कराया। तब से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लापता है। परिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तलाश में लगातार उच्चाधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी ऋतु सक्सेना ने बताया कि कर्मचारी के लापता होने के बाद काफी मशक्कत करने पर उसकी गुमशुदगी थाना ट्रांस यमुना में दर्ज की गई, पर थाना पुलिस द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को खोजने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। वे लगातार उच्चाधिकारियों से मिल रही हैं। पीठासीन अधिकारी भी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। गुमशुदा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोविंद सक्सेना की पत्नी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनके पति को खोजने में कोई मदद नहीं कर रहा है। अधिकारी से ये गुहार लगा रहे हैं कि मतलब 40 दिन हो गए, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पति का नाम क्या था? गोविंद कुमार सक्सेना। अच्छा, कहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी? उनकी ड्यूटी लगी थी मंडी सिर की मंडी में। अच्छा। मंडी समिति में आए थे वो, वहाँ से उन्होंने मशीन उठाई थी, सामान उठाया था, सिर की मंडी में गए थे। हमें तो यही जानकारी दी है पीठासीन अधिकारी ने। अच्छा। और सही पता तो वो बता नहीं रहे हमको। थे? शिक्षा विभाग में, बीएसए ऑफिस में। किस पोस्ट पे थे? फोर्थ क्लास पे थे। अच्छा, चुनाव में ड्यूटी लगी थी, कितने तारीख को आपकी बात हुई अंतिम? 3 तारीख को बात हुई, 3 मई को 4:30 बजे के लगभग, उसके बाद बात नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद से तो फोन मिलाया तो बंद जा रहा है। अच्छा, गुमशुदगी दर्ज कराई है आपने? हाँ, कराई है। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? नंबर कहीं सर्विलांस पे नहीं लगाया? नहीं लगाया नंबर सर्विलांस पे नहीं लगाया। जब भी जाते हैं तो कह देते हैं अभी कार्रवाई चल रही है, पता चल जाएगी आपको। और कब वो सर है नहीं है, दरोगा साहब बाहर गए हैं, ये क्या टाल देते हैं और कहते हैं कि तुम खुद खोज करो, हम क्या करें, हमारे पास तो इतनी जनता आती है, किस किस को ढूंढेंगे हम, तुम खुद खोज करो। किस थाने में मुकदमा दर्ज कराया? ट्रांस यमुना थाने में। अपने गुमशुदा पति की तलाश में गोविंद सक्सेना का परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने उच्चाधिकारियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को खोजने की बात कही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गोविंद सक्सेना की पत्नी पिछले 40 दिन से अपने पति को खोजने के लिए परेशान है। पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी उनका कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।